ट्रांसमिशन लाइंस बेचेंगे, टेलीकॉम बेचेंगे, टावर्स बेचेंगे, जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो बेच देंगे, पावर जनरेशन बेच देंगे, जो गैस की पाइपलाइन बनी है वो भी बेच देंगे, पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन अदर सेट वो भी बेच देंगे, वेयर हाउसिंग असेट्स मतलब FCI के गोडाउन वेयर हाउसिंग के गोडाउन वो भी बेच देंगे, माइनिंग के असेट्स भी बेच देंगे, एयरपोर्ट्स बेच देंगे, पोर्ट्स बेच देंगे, और तो और स्टेडियम भी बेच देंगे, खेल के मैदान को भी बेच देंगे, और जो शहर की कीमती जमीनें सरकार के पास है वो भी बेच देंगे। नालायक बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जो घर की संपत्ति बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, वो उसको लायक हम कैसे माने? कैसे नरेंद्र मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री हम माने, जो पूरे तरीके से नियम और कानून इस तरह के बना रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब इसके अंदर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि जैसे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट रोड से आपको 100 करोड़ का टोल टैक्स आ रहा है साल का, तो उसको वो बिडिंग करेंगे कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए इससे मिल रहे हैं, अब आपको हम 30 साल 50 साल का हम लोग इसको सौंप रहे हैं, हम लोगों ने एसेट बनाया, सड़क हमने बनाई, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसने जनता के पैसे से जनता के हित में निर्माण किया, 1000 करोड़ की सड़क बनाई, 100 करोड़ टैक्स आ रहा है जो उसके मेंटेनेंस में और रेवेन्यू में जा रहा है, उसको वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब हम आपको ये 1000 करोड़ का एसेट आपको दे रहे हैं और 30 साल में 100 करोड़ के हिसाब से आपको 3000 करोड़ का मुनाफा होगा, इस 3000 करोड़ में आप हमें पहले दे दीजिए और आप इससे कमाइए। अब जो लेगा वो पैसा कहाँ से लाएगा? आज केवल 2-4 लोगों को छोड़ के लिक्विडिटी कहीं है नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग वहीं आता है जहाँ नया प्रोजेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और वो उसमें भी एग्जिट का प्रावधान रहता है, यहाँ एग्जिट का प्रावधान नहीं है, 30 साल और 50 लाख का एसेट में।